great morning class i hope you all are fine today we are going to start our next topic which is masking in animate topic name care masking in animate in animate masking is a way to selectively hide and display the content on a layer the mask layer contains a mask item that can be filled shape a typed object

आपको आपकी पूरी एक ड्राइंग होती है, है है ठीक नीचे और उसके बाद ऊपर कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से आपको उस नीचे वाली ड्राइंग का सिर्फ कुछ पार्ट दिखता है आपको वो पूरी ड्राइंग नहीं दिखती तो वो ही क्या है मास्किंग देखो मास्किंग में वर्ड मास्क यूज हो रहा है मास्क क्या होता है मुखौटा और मुखोटे में जैसे मान लो थोड़ी सी आईज होती है तो उन आईज के थ्रू हम कुछ देख सकते हैं बाकी तो कुछ नहीं दिखता है ना तो मास्किंग यही होती है वो क्या करता है सिलेक्टिवली हाइड करता है और डिस्प्ले करता है कंटेंट देखो जो हम मास्किंग भी करेंगे ना ये भी लेयर पे ही होगी पहले तो आप ये चीज समझो लेयर हमें पता था ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं ठीक है जो हम हम बेसिकली इसके अंदर करेंगे क्या हम दो लेयर्स बनाएंगे एक होगी नीचे वाली लेयर एक होगी ऊपर वाली लेयर ऊपर वाली लेयर क्या करेगी नीचे वाली लेयर पूरी हमें देखने नहीं देगी लेकिन उसका सिर्फ कुछ पार्ट हमें दिखाएगी और उससे क्या होगा आपके एनिमेशन सुंदर लगेगी क्या होगा ऊपर वाली लेयर क्या करेगी नीचे वाली लेयर को छुपाएगी और सिर्फ उसका कुछ पार्ट कुछ हिस्सा आपको दिखाएगी जिससे आपकी एनिमेशन हो जाएगी तो क्योंकि कि उस ऊपर वाली लेयर ने क्या किया कुछ पार्ट को छुपाया और सिर्फ कुछ ही पार्ट आपको डिस्प्ले हुआ शो हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं मास्किंग बोलते हैं ठीक है थीके? मास्क में वो यही बोल रहा है कि जो आप मास्क की लेयर बना रहे हो यानी जो ऊपर वाली लेयर बना रहे हो जिससे आप किसी चीज को छुपाओगे वो कुछ भी हो सकता है वो कोई टाइप ऑब्जेक्ट मतलब कुछ टेक्स्ट हो सकता है जिसको आपने लिखा हो कोई फील्ड शेप हो सकती है मतलब कोई सर्कल हो सकता है कोई रेक्टेंगल हो सकता है उसके बाद कोई मूवी क्लिप हो सकती है जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको दिखे ठीक है जो ये मास्क वाली लेयर होती है ना यानी जो ऊपर वाली लेयर थी जो छुपा आ रही थी वो क्या होता है वो एक होल की तरह होती है जिससे आप कुछ कंटेंट देख सकते हो उन लेयर्स का जो उससे नीचे होती है विनीत का मतलब क्या होता है नीचे तो जो मास्क वाली लेयर है वो सबसे ऊपर है तो वो क्या करेगी वो एक होल की तरह तो एक्ट करेगी जिसकी हेल्प से आप कुछ हिस्सा तो देख सकते हो लेकिन सारा नहीं देख सकते नीचे वाली लेयर्स का कुछ हिस्सा आपको दिख जाएगा मास्किंग किस काम आती है एनिमेशन के अंदर जिससे आप स्पॉटलाइट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो अभी मैं क्या करूंगी आपको कुछ एनिमेशन की डायग्राम्स दिखाऊंगी एंड हम उससे समझते हैं कि मास्किंग होती क्या है क्लास so अभी जो स्मॉल जी आई एफ इमेज देखी उसके अंदर क्या था एक सर्कल दिख रहा था आपको एक राउंड सा सर्कल एक होल जिसके अंदर आपको कुछ पार्ट एक ट्रैक का दिख रहा था स्पोर्ट्स जहां ट्रैक होता है जहाँ रनिंग होती है है ना और उसकी साइड में फिर धीरे धीरे करके आपको एक बॉय दिखना स्टार्ट हुआ वो बॉय भी आपको पूरा नहीं दिख रहा था वो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में दिख रहा था कभी उसका हेड दिख रहा था कभी कभी उसकी उसकी आर्म्स दिख रही थी लेग्स दिख रही थी है ना तो ये जो सर्कल था ये एक टाइप से क्या था आपका मास्क था जो क्या कर रहा था जो नीचे की जो आपकी पिक्चर थी नीचे की पिक्चर क्या थी पूरा एक ट्रैक जिसके अंदर एक बॉय है इसने आपको वो पिक्चर पूरी नहीं दिखाई इसने आपको सिर्फ वो पिक्चर क्या दिखा दिखाई पार्ट्स के अंदर दिखाई आपको थोड़ी थोड़ी करके पिक्चर दिखाई स्पॉटलाइट की तरह दिखाई हमने बोला ना कि एक स्पॉटलाइट इफेक्ट दिखाता है तो स्पॉटलाइट इफेक्ट की तरह दिखाई तो यहाँ पे जो ये सर्कल था ना ये किस तरीके से एक्ट किया लाइक अ मास्क ये किसकी तरह एक्ट किया लाइक अ मास्क तो यही मास्किंग होती है मास्किंग के अंदर क्या होता है कि दो लेयर्स होती हैं जो अपर लेयर होती है जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो क्या करती है जो नीचे वाली लेयर है जरूरी नहीं है नीचे एक ही लेयर हो हो सकता है नीचे काफी लेयर्स हो तो जितनी भी नीचे लेयर्स होंगी उनका कुछ पार्ट दिखाएगी आपको धीरे धीरे आपको वो पूरी की पूरी लेयर एकदम से नहीं दिखाएगी नीचे की कुछ कुछ हिस्सा दिखाएगी उस लेयर का जिससे क्या होता है एक अच्छा सा इफेक्ट क्रिएट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं मास्किंग बोलते हैं और बेसिकली इससे हमारी एनिमेशन इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा लगता है इसके बाद हम एक और एनिमेशन छोटी सी वीडियो देखते हैं थी? थी, ठीक है और जो दूसरा था वो उसकी पिटाई हो रही थी है ना लेकिन आपने देखा जो जिसकी पिटाई हो रही थी उसके सिर पे स्टार्स बन रहे थे उसके सिर पे स्टार्स बन रहे थे ना तो वो जो स्टार्स थे आपके जो बन रहे थे उसके सर पे वो एकदम से नहीं बन रहे थे पहले बनते थे फिर हट जाते थे फिर बनते थे फिर हट जाते थे तो ये भी मास्किंग ही होती है कि एक टाइम वो आपको शो कर रहा था नीचे वाली लेयर ऐसा नहीं है कि वो गायब हो रहे थे वो वहीं पे थे वो मास्किंग क्या करता था एक बार वो चीज़ दिखाता था फिर दूसरी बार उस चीज़ को नहीं दिखाता था फिर दिखाता था वो वाली लेयर फिर नहीं दिखाता था तो ये क्या थी अगेन आपकी मास्किंग ये भी एक टाइप का इफेक्ट होता है जिसकी हेल्प से क्या हो रहा था आपको एक बार चीज़ दिख रही थी और दूसरी बार फिर आपको चीज नहीं दिख रही थी तो क्लास आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मास्किंग क्या होती है अब हम ये देखते हैं कि मास्क क्रिएट कैसे होता है वही बात है सबसे पहले अपना एनिमेट का सॉफ्टवेयर खोलो उसके अंदर अब आपको कुछ चेंजेस कर ले मान लो बैकग्राउंड चेंज करनी है जैसे इसने पर्पल कलर की कर रखी है आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो उसके बाद ये टेक्स्ट लिख लो इसके अंदर टेक्स्ट टूल की हेल्प से हार्ड वर्क ठीक है लिख लिया जी उसके बाद आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है आप कर सकते हो उसके बाद हमको क्या करना है हमें मोशन ट्वीन पे जाना है जो हमारा मेन काम है मोशन ट्वीन का मतलब क्या है कि हम जैसे इसके ऊपर एक मोशन बना देंगे ऐसे ठीक है इसकी एक मूवमेंट दिखा देंगे कि वो ऐसे चलेगी जैसे आपने उसके इसमें देखा था कि वो सर्कल ऐसे, ऐसे ऐसे चल रहा था चल रहा था ना नीचे से लेके ऊपर तक तो वो क्यों था वो मोशन ट्वीन की वजह से था हमने उसको एक मोशन दे रखा था उस सर्कल को कि तुमने ऐसे जाना है तो हम यहाँ पे भी इसको बता रहे हैं कि तुमने ऐसे जाना है तो जो मोशन हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं हम मोशन ट्वीन की हेल्प से कर रहे हैं ये तो हमारी है लेयर वन ठीक है ये हमारी बॉटम लेयर है अब हम बनाएंगे अपनी टॉप वाली लेयर ठीक है अब हम बनाएंगे अपनी टॉप वाली लेयर ठीक है तो आपकी जो टॉप वाली लेयर होगी वो हमें पता है वो मास्क वाली लेयर वो मास्क मास्क वाली वाली लेयर लेयर होगी होगी ना तो हम उस और हमारा मास्क हमें पता है कुछ भी हो सकता है कोई सर्कल हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है कोई टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है तो इस केस में हमने इस मास्क को बनाया है ये ये ओवल शेप को हमने इसको ओवल शेप को मास्क बना लिया अब आगे आप नेक्स्ट इसमें देखो कि आपका जो ये हार्ड वर्क आपने लिखा था अब ये देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है ना आधा दिख रहा है पूरा नहीं दिख रहा क्योंकि हमने जो ये वाली शेप थी इसके ऊपर ओवरलैप कर दिया है अब ये जो शेप है आपकी यहाँ से ये लेकर यहाँ तक मूव करेगी और कुछ कुछ पार्ट ही हार्ड वर्क का दिखाएगी जैसे उस बॉय का एक सर्कल में थोड़ा थोड़ा ट्रैक का हिस्सा दिख रहा था ना सिर्फ उस सर्कल में जो दिख रहा था उतना ही पार्ट दिख रहा था अब ये ओवल जो है क्योंकि हमने देखो लाइन कैसी बनाई है हमने मोशन पाथ कैसा बोला है स्ट्रेट लाइन वाला उसने तो ऐसा पूरा प्रॉपर दिखा रखा था रेक्टेंगुलर पाथ हमने स्ट्रेट लाइन वाला पाथ बोला है तो अब हमारा जो ये ओवल है जो हमारा मास्क है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन से पास होता जाएगा और उस स्ट्रेट लाइन पासिंग में जो भी पार्ट नीचे की लेयर का यानी इसका दिखेगा वो आपका क्या होगा एनिमेशन में आ जाएगा मतलब यहां से स्टार्ट हुआ तो पहले कुछ कुछ पार्ट आपको हार्डवर्क का दिखेगा उसके बाद बाद में तो आपको सिर्फ पर्पल शीट ही दिखेगी क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं जैसे वहां पे तो ट्रैक था बॉय था सब कुछ था अब इस केस में क्या क्योंकि ये ओवल है और हमने पाथ कैसा सेट किया ऐसे स्लांट वाला तो पहले आपको जैसे यहाँ पे कुछ दिखना कम दिखना स्टार्ट हुआ है धीरे धीरे करते करते ओवल ऐसे ऐसे जाता जाएगा और पर्पल 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 ही आपको दिखेगा लास्ट में जब वो यहां तक पहुंच जाएगा तो आपकी एनिमेशन क्या होगी स्टॉप हो जाएगी और ये सब क्यों होता है मोशन ट्वीन की वजह से क्योंकि हमने मोशन सेट ऐसा किया था अगर हम उस टाइप का रेक्टेंगुलर मोशन सेट करते तो वो उसके अकॉर्डिंग भी चल पड़ता तो क्लास आई होप आपको समझ में आया होगा कि मास्किंग क्या करती है वो बेसिकली जो आपकी लेयर बीनीथ होती है उसकी कुछ कंटेंट्स को शो करती है और कुछ को हाइड कर देती है तो क्लास आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू टूडेज टॉपिक थैंक यू